राजधानी रायपुर के टैगोर नगर स्थित संस्कार हाउस में 17 और 18 जुलाई को दो दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी आयोजिका मंजू जैन ने दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन महेश्वरी महिला संगठन की विदेश मीडिया प्रभारी कविता राठी ने किया। साथ ही उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजधानी की कामकाजी और उद्यमी महिलाओं का उत्साहवर्धन करना है, साथ ही छोटे व्यापारियों को तरक्की देना भी है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों से 35 से अधिक राखी, गिफ्ट हैम्पर, ज्वेलरी समेत अन्य सामानों के स्टॉल लगे। वहीं प्रदर्शनी में महिला नेत्री, समाजसेवी महिलाओं समेत अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। टैगोर नगर के संस्कार हाउस में ममता जैन मैम ने लगाया है ये, और ये मतलब स्वावलंबी महिलाओं को कामकाजी जो मतलब हर टैलेंट जो महिलाओं में होता है वो अपना यहाँ पर ला के अपना हुनर दिखा रही हैं। बहुत सी चीज़ें जो घर से बनाई हुई हैं, बहुत सारे इसमें अभी राखी सावन तीज को देखते हुए बहुत सारे स्टॉल्स आए हैं, और अपने ऑल इंडिया से ही आए हैं, पूरे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सब जगह से। तो ये इनका बहुत अच्छा प्रयास है कि ये महिलाओं को मंच देने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और महिलाएं ही महिलाओं को आगे ला रही है, तो ये आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो रही है महिलाओं की। उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा है, बारिश की वजह से थोड़ा सा अभी था, अभी दिन भर, दो दिन का एग्जीबिशन है ये, तो इसमें सब आ रहे हैं और बहुत अच्छा प्रमोशन किए हैं। और मैं 2014-15 से ये कर रही हूँ, सभी लेडीज़ लोग आगे बढ़े, उनमें जो हुनर है यहाँ इनका है, ये पूरा इनका हैंडमेड रहता है, गिफ्ट आइटम्स है, शादी में जो गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं उनका पूरा रेडी है, भाभी के पास साड़ी है, ज्वेलरी है, ये हमारे पास दिल्ली से आई है, ये 2014 में भी मेरे साथ लगाई थी यही हॉल में, इन्होंने इतना खुश हुए, इतना अच्छा इनको रिस्पॉन्स मिला, तो ये दोबारा दिल्ली से खास एग्जीबिशन के लिए आई है, बहुत खुशी होती है। और काफ़ी जूनियर्स भी हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है।